नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम शुभम कुमार है। चाहे आप किसी भी वनडे एग्जाम की तैयारी करते हो और चाहते हो कि आपका भी जो ग्राफ है जीएस और जीके का वो इम्प्रूव होता रहे, तो हमारे साथ जुड़िए हमारे इस चैनल रेपनेशन के साथ। और यहाँ पे आपको मिलेगी एग्जाम रिलेटेड स्पेसिफिक और बेहतरीन कंटेंट। तो चलिए फिर बिना समय गवाए अगस्त महीने के स्टैटिक जीके सेट 3 स्टार्ट करते हैं। बीसी रॉय अवार्ड इज द हाईएस्ट अवार्ड इन इंडिया इन द फील्ड ऑफ। बीसी रॉय पुरस्कार डैश के क्षेत्र में भारत में सर्वोच्च पुरस्कार है, तो वो है मेडिसिन या चिकित्सा के क्षेत्र में भारत में सर्वोच्च पुरस्कार है। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन डी। और ये जो अवार्ड है 1962 से संस्थापित किया गया था, और ये अवार्ड प्रेसिडेंट द्वारा दिया जाता है हर साल, वो भी 1 जुलाई को। तो 1 जुलाई को क्यों? क्योंकि 1 जुलाई को नेशनल डॉक्टर्स डे है, और ये नेशनल डॉक्टर्स डे विधान चंद्र रॉय जी के ही मेमोरी में रखा गया है, क्योंकि उनका बर्थडे 1 जुलाई 1882 को था, और ठीक 80 साल बाद यानी 1 जुलाई 1962 को उनका डेथ हो गया था। योर ओन बैंक इज द टैगलाइन ऑफ विच बैंक। योर ओन बैंक किस बैंक की टैगलाइन है? तो वो है इंडियन बैंक, ऑप्शन डी इंडियन बैंक। और ये एस्टैब्लिश हुआ था 1907 में, और इसका हेडक्वार्टर है चेन्नई तमिलनाडु में, और हाल ही में एमडी और सीईओ चेंज हुए हैं, उनका नाम है शांतिलाल जैन जी। वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ द शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन यानी एससीओ, शंघाई सहयोग संगठन का मुख्यालय कहाँ है? तो वो है चाइना के बीजिंग में। तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर है, और जो एससीओ के सेक्रेटरी जनरल है वो है व्लादिमीर नोरोव, और कुल मेंबर देश है 8, जिसमें आता है भारत, चीन, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, पाकिस्तान, रशिया, ताजिकिस्तान और उज्बेकिस्तान। हाउ मेनी क्लासिकल डांस फॉर्म्स ऑफ इंडिया वेर रिकॉग्नाइज्ड बाय द संगीत नाटक अकेडमी? संगीत नाटक एकेडमी द्वारा भारत के कितने शास्त्रीय नृत्य रूपों को मान्यता दी गई है? तो दी गई है 8, ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। और संगीत नाटक एकेडमी जो है वो फॉर्म हुआ था 1953 को। जो 8 क्लासिकल डांसेस है वो भी हम लोग देख लेते हैं कौन कौन सी है। तो तमिलनाडु से भरतनाट्यम, नदन इंडिया से कथक, आंध्र प्रदेश से कुचिपुड़ी, उड़ीसा से ओडिसी, केरला से कथकली, आसाम से सतरिया, मणिपुर से मणिपुरी और केरला से मोहिनी अट्टम। ढलो इज अ पॉपुलर रिचुअल फोक डांस फॉर्म। ढलो डैश का एक लोकप्रिय अनुष्ठान लोक नृत्य है, तो वो डांस फॉर्म है गोवा से, ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। और गोवा की जो राजधानी है वो पंजी या पंजिम है, सीएम है प्रमोद सावंत और गवर्नर है पीएस श्रीधरन पिल्लई। अब बाकी राज्यों के भी जो फोक डांस है वो देख लेते हैं, जैसे जम्मू कश्मीर से रॉफ, उड़ीसा का छऊ या ओडिसी और असम से बीहू या बिछुआ। वेयर इज द हेडक्वार्टर्स ऑफ द कंप्यूटर सोसाइटी ऑफ इंडिया लोकेटेड? कंप्यूटर सोसाइटी ऑफ इंडिया का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो वो स्थित है ऑप्शन बी मुंबई। मुंबई इसका सही आंसर है, और ये फॉर्म हुआ था 1965 में, और इसके जो हेड है उनका नाम है गौतम मोहपात्रा जी। विच इज द कैपिटल ऑफ तंजानिया? तंजानिया की राजधानी कौन सी है? तो वो है डोडोमा, ऑप्शन सी डोडोमा। करेंसी है टेंजेनियन शिलिंग। अब बाकी भी देख लेते हैं, बाकी किन किन देश की कैपिटल है। जो कंपाला है वो उगांडा की कैपिटल है, जो कि गाली है वो रवांडा की कैपिटल है, अदिस अबाबा जो है वो इथोपिया की कैपिटल है। विच ऑफ द फॉलोइंग वाटर बॉडीज वेर कनेक्टेड बाय स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर? निम्नलिखित जल निकायों में से कौन सा जिब्राल्टर के स्ट्रेट से जुड़ा हुआ है? तो जुड़ा हुआ है ऑप्शन सी अटलांटिक ओशन एंड मेडिटेरेनियन सी, ऑप्शन सी अटलांटिक महासागर और भूमध्य सागर। Who administers the oath of office to the governor of a state? किसी राज्य के राज्यपाल को पद की शपथ कौन दिलाता है? तो दिलाता है ऑप्शन डी चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट, हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश।
अगर वो एब्सेंट रहे तो उनकी जगह कोई भी सीनियर मोस्ट जज उस हाई कोर्ट का शपथ दिलाता है, और ये जो है आर्टिकल 159 में मेंशन्ड है। When India made its first appearance in an Olympic game, भारत ने ओलंपिक खेल में अपनी पहली उपस्थिति कब बनाई? तो बनाई 1900 में। ऑप्शन ए 1900 इसका आंसर है। उस समय इकलौते जो एथलीट थे उनका नाम नॉर्मन पिटकर था, जिन्होंने पार्टिसिपेट किया था भारत की तरफ से। वेयर इज एस्कॉट मस्क डियर सेंचुरी लोकेटेड, एस्कॉट कस्तूरी मृग अभ्यारण कहाँ स्थित है? तो स्थित है ऑप्शन बी उत्तराखंड में। ऑप्शन बी उत्तराखंड इसका सही जवाब है। उत्तराखंड के जो सीएम है वो है पुष्कर सिंह धामी, जो कि 10वें मुख्यमंत्री है उत्तराखंड के। गवर्नर है बेबी रानी मौर्य। अब आप नीचे कमेंट सेक्शन में बताइए कि उत्तराखंड में कुल कितने डिस्ट्रिक्ट है। अब बात कर लेते हैं बाकी राज्यों की वाइल्ड लाइफ सेंचुरी की। तो सिक्किम में है कितम बर्ड सेंचुरी और पेंगोलखा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। उड़ीसा में भितकर्णिका और सतकोसिया वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है। छत्तीसगढ़ में अचानक मार, बादल खोल और भोरम देव वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है। विच इंडियन सिटी इज निकनेम्ड एज स्कॉटलैंड ऑफ इंडिया, किस भारतीय शहर का उपनाम भारत का स्कॉटलैंड है? तो वो है ऑप्शन सी कुर्ग। ऑप्शन सी कुर्ग जो कि कर्नाटका में पड़ता है। अंडर विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वॉज द कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल यानी कैग ऑफ इंडिया एस्टेब्लिश्ड, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक की स्थापना की गई थी? तो की गई थी आर्टिकल 148 अनुच्छेद 148 के तहत। और जो कंट्रोलर ऑडिटर जनरल है वो ऑडिट करते हैं जितने भी रिसिप्ट है या एक्सपेंडिचर है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के और राज्य सरकारों के। और फिलहाल जो कैग है जीसी मुर्मू जी, जो कि भारत के 14th कैग है, और ये अपॉइंट किए जाते हैं प्रेसिडेंट द्वारा बाय वारंट अंडर इज हैंड एंड सील, और इनका जो टर्म ऑफ ऑफिस होता है वो 6 साल या अप टू 65 ईयर ऑफ एज विच एवर इज अर्लियर। अब बाकी आर्टिकल भी देख लेते हैं ऑप्शन में। आर्टिकल 62 इसके तहत अगर प्रेसिडेंट का पोस्ट अगर वैकेंट रह जाता है ड्यू टू डेथ, रेजिग्नेशन या रिमूवल, तो 6 महीने के अंदर फ्रेश इलेक्शन कराना होगा प्रेसिडेंट पोस्ट का। आर्टिकल 371 या अनुच्छेद 371 कुछ स्टेट को ये आर्टिकल स्पेशल प्रोविजन देता है। फिर बात करते हैं आर्टिकल 243A, तो इस आर्टिकल में ग्राम सभा के बारे में मेंशन है। Who was the first to calculate the value of the mathematical operator pi? गणितीय संचालिका पाई के मान की गणना करने वाला पहला व्यक्ति कौन था? तो थे ऑप्शन सी आर्किमिडीज। और जो पाई की वैल्यू होती है वो है 3.14 या 22/7। When was the Indian Air Force established? भारतीय वायु सेना की स्थापना कब हुई थी? तो वो हुई थी 8 अक्टूबर 1932। ऑप्शन ए 1932 इसका सही आंसर है, और 8 अक्टूबर को एयरफोर्स डे भी इसी कारण से सेलिब्रेट किया जाता है। और ये इंडियन एयरफोर्स का जो मोटो है वो है नव स्पृशम दीप्तम टच द स्काई विथ ग्लोरी, और ये जो संस्कृत का लाइन है ये भगवत गीता से लिया गया है। और जो चीफ ऑफ एयर स्टाफ है उनका नाम है राकेश कुमार सिंह भदौरिया। Who was the first recipient of Rajiv Gandhi Khel Ratna Award? राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार के प्रथम प्राप्तकर्ता कौन थे? खैर आंसर देने से पहले मैं बताना चाहूंगा इस अवार्ड का नाम चेंज कर दिया गया है, अब इसे मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड रखा गया है, और ये हाईएस्ट स्पोर्टिंग ऑनर है हमारे देश का। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन सी चेस ग्रैंड मास्टर विश्वनाथ आनंद, और ये जो अवार्ड उन्हें मिला था 1991 यानी 1991 में मिला था। वेयर इज पावलोव वोल्केनो लोकेटेड, पावलोव ज्वालामुखी कहाँ स्थित है? तो स्थित है ऑप्शन ए अलास्का यूएसए। आइडेंटिफाई द इंडियन स्टेट विद द मोस्ट नंबर ऑफ यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट,
सबसे अधिक यूनेस्को विश्व धरोहर स्थलों वाले भारतीय राज्य की पहचान करें, तो वो है ऑप्शन डी महाराष्ट्र। ऑप्शन डी महाराष्ट्र। भारत में कुल 40 वर्ल्ड हेरिटेज साइट है, जिसमें 5 महाराष्ट्र में है। तो वो 5 महाराष्ट्र में कौन कौन है तो देख लेते हैं। पहला है अजंता के, दूसरा एलोरा के, तीसरा एलिफेंटा के, चौथा छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस, और पांचवा है द विक्टोरियन एंड आर्ट डेको एंसेम्बल ऑफ मुंबई। और इस साल यानी वर्ष 2021 में दो और यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट की सूची में दो नाम और इसमें जुड़े भारत के लिए। पहला है ककाटिया रुद्रेश्वर टेम्पल और दूसरा है धोलावीरा। अब आप कमेंट सेक्शन में बताएंगे कि ये दोनों कहाँ कहाँ है, ककाटिया रुद्रेश्वर टेम्पल और धोलावीरा। हु इज द प्रेजेंट यूनियन मिनिस्टर ऑफ टेक्सटाइल्स, वर्तमान केंद्रीय कपड़ा मंत्री कौन है? तो वो है पीयूष वेद प्रकाश गोयल जी। ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। और इसके साथ साथ वो दो और मिनिस्ट्री को हेड करते हैं, पहला मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, दूसरा मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन, और साथ साथ वो करंट लीडर ऑफ द हाउस इन राज्यसभा भी है। विच सिटी इज निकनेम्ड एज कल्चरल कैपिटल ऑफ इंडिया, किस शहर को भारत की सांस्कृतिक राजधानी के रूप में उपनाम दिया गया है? तो दिया गया है कोलकाता। ऑप्शन बी कोलकाता। और सीएम है ममता बनर्जी, गवर्नर है जगदीप धनखड़, और कुल डिस्ट्रिक्ट है 23। प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना यानी PMKVY इज द फ्लैगशिप स्कीम ऑफ विच मिनिस्ट्री? प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना किस मंत्रालय की प्रमुख योजना है? तो वो है ऑप्शन बी मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप यानी कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय, जिसको हेड करते हैं धर्मेंद्र प्रधान जी। अब बाकी मिनिस्ट्री भी देख लेते हैं कि उनके यूनियन मिनिस्टर कौन है। मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट यानी महिला एवं बाल विकास मंत्रालय को हेड करती हैं स्मृति ईरानी जी। मिनिस्ट्री ऑफ एनिमल हस्बेंड्री डेयरिंग एंड फिशरीज यानी पशुपालन डेयरी और मत्स्य पालन मंत्रालय को हेड करते हैं पुरुषोत्तम रूपाला जी। और मिनिस्ट्री ऑफ माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज यानी सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय को हेड करते हैं नारायण राणे जी। व्हाट वॉज द एडिशन ऑफ 2020 टोक्यो ओलंपिक गेम्स? 2020 टोक्यो ओलंपिक खेलों का संस्करण क्या था? तो वो था 32वां। ऑप्शन डी 32nd एडिशन था ये। और इस 32nd एडिशन टोक्यो ओलंपिक में यूएसए ने टॉप किया है 113 मेडल के साथ, जिसमें 39 गोल्ड उसने जीता है। और दूसरे नंबर पे चाइना है 88 मेडल के साथ, तीसरे नंबर पे जापान 58 मेडल के साथ, और भारत का जो पोजीशन है अंक तालिका में वो 48 है, जिसमें भारत ने कुल 7 मेडल जीते हैं, एक गोल्ड, दो सिल्वर और 4 ब्रॉन्ज। अब आप नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए कि जो 33rd एडिशन होगा ओलंपिक का वो कहाँ पे होगा। हु कॉइंड द टर्म आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस शब्द किसने गढ़ा था? तो 1956 में इसे कॉइन किया गया था अमेरिकन कंप्यूटर साइंटिस्ट द्वारा जॉन मैकार्थी। ऑप्शन ए जॉन मैकार्थी। When was India's road connectivity program, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना यानी PMGSY launched? भारत का सड़क संपर्क कार्यक्रम प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना कब शुरू किया गया था? तो शुरू किया गया था वर्ष 2000 में, ऑप्शन सी 2000 में। तब प्रधानमंत्री थे श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी, और उनके बर्थडे के दिन यानी 25 दिसंबर को गुड गवर्नेंस डे के रूप में सेलिब्रेट किया जाता है। और उनकी जो मृत्यु हुई थी वो हुई थी 16 अगस्त 2018 को। वेयर इज बंगस वैली लोकेटेड? बंगस घाटी कहाँ स्थित है? तो स्थित है ऑप्शन सी जम्मू एंड कश्मीर। ऑप्शन सी जम्मू एंड कश्मीर। और हाल ही में अगस्त के महीने में बंगस अवाम मेला यहाँ पे सेलिब्रेट किया गया था। हमेशा की तरह इस लेक्चर का भी PDF आपको हमारे टेलीग्राम चैनल प्रेपनेशन पे मिल जाएगा, नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है।
आप वहां जाके उसे डाउनलोड कर सकते हैं, वो भी बिल्कुल फ्री में। और अगस्त महीने के सेट वन और सेट टू अगर नहीं देखे हो तो वीडियो खत्म होते ही लिंक आपको स्क्रीन पे दिख जाएगा, आप जाके बाकी के दोनों पार्ट देख सकते हैं। तो चलिए फिर आज के लिए इतना ही, जय हिंद दोस्तों।